तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के किंग सलमान की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना, बन सकता है चीन, लेकिन मोदी सरकार संकट की घड़ी में बना रही है राम मंदिर। कोरोना को रोकने के लिए नहीं कर रही कोई उपाय। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में नहीं गिरा पाई अशोक गहलोत की सरकार, तो बीजेपी ने अशोक गहलोत समेत 104 विधायकों पर किया केस दर्ज। कहा इन्होंने किया है लॉकडाउन और कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरआरएस को राष्ट्रवाद से है परहेज, मनमोहन वैद्य बोले हम राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रीय हैं। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा सांसद बोले मस्जिदों में नमाज पढ़ने से भागेगा कोरोना, लेकिन नहीं दी जा रही है मोदी और योगी सरकार की तरफ से नमाज पढ़ने की इजाज़त। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फोन टैपिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त पर शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा कोरोना महामारी और पीएम केयर फंड का पैसा कर रही है बीजेपी विधायकों को खरीदने में उपयोग, आनी चाहिए इनको शर्म। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस, कहा मोदी सरकार 4 हफ्ते में जवाब करे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में भाजपा विधायक का स्वागत, 15 किलोमीटर लंबा जुलूस, 40 गाड़ियां पुलिस के सामने, कानून और लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, लेकिन देखती रही पुलिस खड़े होकर तमाशा। जी दोस्तों, विस्तार से सब खबरों को जानेंगे एक एक कर करके। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना, कोरोना को रोकने की बजाय मोदी सरकार संकट के समय में बना रही है राम मंदिर। जी दोस्तों, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश में कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर हो गया है और हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में आए सबसे अधिक केसों में से एक है। वहीं भारत अब चीन के वुहान शहर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी रोकने के बजाय केंद्र की मोदी सरकार राम मंदिर का निर्माण इस संकट की घड़ी में कर रही है, जिससे कि उससे कोरोना महामारी की विफलता पर सवाल पूछने बंद हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि महामारी को रोकने की बजाय देश में राम मंदिर का निर्माण करा रही है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में नहीं गिरा सकी बीजेपी कांग्रेस की सरकार, तो अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के 104 विधायकों पर करा दिया केस दर्ज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बीते कुछ दिनों से चली आ रही राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने में नाकाम हुई, जिसके बाद कांग्रेस की मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के 104 विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है बीजेपी ने और कहा है कि इन्होंने लॉकडाउन और कोरोना महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि होटल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें कांग्रेस के विधायक आपस में पास पास बैठकर अंताक्षरी खेलते दिख रहे थे। और इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के 104 और अशोक गहलोत समेत 104 विधायकों पर कोरोना महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है और कहा है कि इन्होंने जो है कोरोना महामारी फैलाने का प्रयास किया और लॉकडाउन का उल्लंघन किया। तो ये इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सऊदी अरब के किंग सलमान की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन की तबीयत बिगड़ गई है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य समाचार एजेंसी ने बताया है कि सऊदी अरब के 84 साल के शासक
किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज को राजधानी रियाद में किंग फैजल स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें पित्ताशय सूजन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल उनको लेकर और अधिक जानकारी नहीं है, तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सपा सांसद बोले मस्जिदों में नमाज पढ़ने से भागेगा कोरोना, लेकिन नहीं दी जा रही है इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ईद उल जुहा पर नमाज अदा करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ईद उल जुहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिमों की सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाना गलत है। सरकार मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिमों की नमाज करने पर लगी पाबंदी को हटाए, क्योंकि जब देश के सभी मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तभी ये मुल्क बचेगा। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने दावा किया है कि जब तक देश के सारे मुस्लिम मस्जिदों में नमाज अदा नहीं करेंगे तब तक कोरोना महामारी नहीं भागेगा। वहीं एसपी सांसद ने साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं उन्होंने कहा कि ईद उल जुहा के मौके पर लगने वाली पशुओं की बाजार की पाबंदी पर भी योगी सरकार अपने आप ध्यान केंद्रित करे और वह पाबंदी को हटाए और बाजार में जानवरों की खरीदारी करने दे, क्योंकि हमारा ईद उल जुहा का त्यौहार आने वाला है, तो एक काफी बड़ी बात है, उन्होंने साफ तौर से कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में फोन टैपिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त पर शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने आज अपने मुखपत्र सामना के जरिए राजस्थान सरकार गिराने में बीजेपी की भूमिका और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को पैसे फेंक कर जोड़ तोड़ कर बहुमत खरीदने की योजना बनाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया, जिससे सचिन पायलट ने अन्याय के विरुद्ध बगावत की उपमा दी थी। वो इसके लिए पायलट और बीजेपी नेताओं की फोन पर बातचीत को सामने लाए। वहीं आगे कहा कि गहलोत सरकार गिराने के लिए केंद्रीय मोदी की सत्ता का दबाव और पैसा का प्रयोग अब हर जगह हो रहा है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया और अब बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने अनैतिकता तरीके से फोन टैपिंग की और इस फोन टैपिंग की सीबीआई जांच हो। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी को शर्म नहीं आती सीबीआई जांच की मांग करते हुए। एक तो चुनी हुई सरकार को प्रदेश में गिराने की बीजेपी साजिश रच रही थी और अब फोन टैपिंग पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार पीएम केयर फंड और पूरे देश से लिए चंदे का दुरुपयोग पार्टी को गिराने और सरकार हथियाने के लिए उपयोग कर रहे हैं और कोरोना महामारी से वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं आज शिवसेना की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट आरएसएस को राष्ट्रवाद से है परहेज। मनमोहन बैद बोले हम राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रीय हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब बात राष्ट्रवाद की आती है तो आरएसएस का जिक्र जरूर होता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस ने देश में अपनी पहचान और परिचय एक राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर बना रखी है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक राष्ट्रवाद शब्द से परहेज करते हैं और राष्ट्रवाद शब्द से वह घृणा भी करते हैं। वहीं आपको कहें कि राष्ट्रवाद सबको वे संघ से जोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सह सर कार्यवाहक का मानना है कि न राष्ट्रवाद शब्द भारतीय और न ही उसकी अवधारणा भारतीयों को जताता है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह राष्ट्रवाद से जो है आरएसएस को नहीं जोड़ते हैं और राष्ट्रीय हैं इस बात का वह गर्व करते हैं और देश के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बयान आया है आरएसएस के राष्ट्रीय सह कार्यवाहक का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र की मोदी सरकार से चार हफ्ते में जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार को चार हफ्ते में
जवाब दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख को तय कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को ये नोटिस एक याचिका के दायर होने के बाद जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए वेंकट चैलैया कमीशन की सिफारिश को लागू किया जाए। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि देश में दो बच्चों की नीति को लागू किया जाए। वहीं बीजेपी के नेता और सांसद भी बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे कि दो बच्चे हो भारत में, एक व्यक्ति पैदा करे और इससे ज्यादा अगर करे तो उसे सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसी को लेकर बीजेपी से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपना जवाब 4 हफ्तों में दाखिल करे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन में भाजपा विधायक का स्वागत, 15 किलोमीटर लंबा जुलूस, 40 गाड़ियां, पुलिस के सामने लॉकडाउन और कानून की उड़ाई धज्जियां, पुलिस देखती रही तमाशा। जी दोस्तों आपको बता दे ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अगर बीजेपी नेता अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करे तो उस पर कार्रवाई नहीं, अगर अन्य पार्टी का कोई भी नेता या व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करे तो उस पर FIR दर्ज, बीजेपी कराती है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि आगरा में 55 घंटे के लॉकडाउन के आखिरी दिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक बनने के बाद रविवार को नखलऊ से लौटे दक्षिण क्षेत्र से विधायक योगेंद्र उपाध्यक्ष के स्वागत के लिए भाजपाई लॉकडाउन का उल्लंघन कर पहुंचे। 15 किलोमीटर लंबा जुलूस भी निकाला गया जिसमें 40 गाड़ियों का काफिला विधायक के साथ था। इस दौरान भाजपाई नियम कानून सब भूल बैठे, यहां तक कि कोरोना महामारी के प्रकोप से भी बेखबर दिखाई दिए, पुलिस वाले भी मुकर दर्शक बने देखते रहे। भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक बने विधायक योगेंद्र उपाध्यक्ष का रविवार को लॉकडाउन में फतेहाबाद रोड से जयपुर तक स्वागत किया गया। हर 1 किलोमीटर पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, इसमें भीड़ भाड़ उमड़ी। विधायक 4 बजे आगरा पहुंचे जबकि कार्यकर्ता इससे 1 घंटा पहले ही पहुंच गए और लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन किया और सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई और मास्क बिना लगाए ही लोग उनका स्वागत करने लगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कह के थक गए कि 2 गज की दूरी बनाए रहें और सामाजिक दूरी बनाए रहें, लेकिन बीजेपी के नेता किस तरह से अपनी सरकार होने के कारण लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना महामारी को प्रदेश में फैला रहे हैं, तो ये काफी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन से हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो।